भारत के चंद्रयान 3 ने भले ही इतिहास रच दिया हो, लेकिन इसरो की पहल अभी समाप्त नहीं हुई है। चांद फतेह के बाद अब सूरज के रहस्यों का पता लगाने के लिए इसरो ने मिशन आदित्य एल की शुरुआत कर दी है। इस सोलर मिशन पीएम मोदी की निगरानी में किया जाएगा। इसरो की माने तो इसका सफर धरती से 15,00,000 किलोमीटर का होगा। गौरतलब है कि 23 अगस्त 2023 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। इसरो के चंद्रयान 3 ने बुधवार शाम 6:04 पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। लैंडिंग होते ही पूरा देश जोश से झूम उठा, हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट। भारत का चंद्रयान जैसे ही चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की सतह पर पहुंचा, ये इतिहास रचने वाला विश्व का पहला देश बन गया। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत है, चांद के बाद अब सूरज की बारी है। दरअसल इसरो जल्द ही सूरज के बारे में जानने के लिए मिशन की शुरुआत कर रहा। इस सोलर मिशन का नाम आदित्य L1 है। इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। आदित्य L1 सूरज के रहस्यों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन होगा। इसरो से मिली जानकारी के मुताबिक ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जाने के पूरे 4 महीने बाद सूरज पृथ्वी के सिस्टम में लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा, जो कि धरती से 15,00,000 किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों तरफ एक हेलो ऑर्बिट में होने के कारण इस पॉइंट पर सूरज के ग्रहण का असर नहीं पड़ता, जिसके कारण वहां पर आसानी से शोध किया जा सकेगा। जल्द ही अंतरिक्ष में आदित्य L1 नाम की ऑब्जर्वेटरी को भेजा जाएगा, जो इसे लॉन्च कब किया जाएगा इस तारीख का फिलहाल ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन इस मिशन को सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जा सकता है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत पहली बार सूरज पर रिसर्च करने जा रहा, लेकिन अब तक सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके। इस मिशन को पूरा करने वाले देशों में अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल। सबसे ज्यादा मिशन नासा ने भेजे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी नासा के साथ मिलकर ही अपना पहला सूर्य मिशन साल 1994 में भेजा था। नासा ने अकेले 14 मिशन सूर्य पर भेजे। नासा के पार्कर सोलर प्रोब नाम के एक व्यक्ति ने सूर्य के आसपास से 26 बार उड़ान भरी। नासा ने साल 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था, जिसका मकसद था सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना।